हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर कम मार्क्स आते हैं? क्या इसका सबसे बड़ा रीजन सिली मिस्टेक्स हैं? तो आइए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन सिली मिस्टेक्स को दूर कैसे करें और कैसे अपने मार्क्स मैक्सिमाइज करें। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अपनी जो सिली मिस्टेक्स होती हैं एग्जामिनेशंस में वो कैसे रिड्यूस की जाए। सबसे पहले हम सिली मिस्टेक्स को डिफाइन करते हैं। आप ये सोचिए कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में इतनी हाई परसेंटेजेस क्यों आती है। सबसे बड़ा रीजन इसका यह है कि 25 क्वेश्चंस को हमें 3 आवर्स में सॉल्व करना होता है और लिखना होता है। हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, उनको अच्छे से समझने के लिए और उनको सॉल्व करने के लिए। तो सिली मिस्टेक्स जो सबसे बड़ा रोल प्ले है वो प्ले करती है टाइम बेस्ड कंस्ट्रेंड रादर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस के अंदर। जैसे जेई मेन हुआ, जेई एडवांस्ड हुआ, नीट हुआ, यूपीएससी का एग्जाम हुआ, एनटीएससी का एग्जाम हुआ, आईजेएसओ का हुआ, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पे रेस टाइम के अगेंस्ट होती है। सब्जेक्टिव पेपर्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जबकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम पे जो इंपॉर्टेंस दी जाती है वो करेक्टनेस, एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे दी जाती है, राइट? तो जैसा मैंने आपको बोला, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टाइम। और मेरा ये मानना है कि जो जितनी भी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम टाइम है। तो आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ सिली मिस्टेक्स जो टाइम की वजह से होती है। सबसे पहली जो सिंपल मिस्टेक है वो होती है कि मिसरीडिंग द क्वेश्चन। कभी कभी लिखा रहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, और हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन सा करेक्ट है और उसको सही करेक्ट के हिसाब से सॉल्व कर देते हैं। तो ये एक इनकरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है जब आप क्वेश्चन को ही गलत तरीके से पढ़ लेते हैं। दूसरी तरह की सिली मिस्टेक होती है जहां पर आप मैथमेटिकल ऑपरेटर में प्रॉब्लम करते हैं। कभी कभी 3 × 3 = 6 लिख देते हैं, कभी और भी कुछ और एरर्स होती हैं, वो भी टाइम की वजह से हो सकती है। नेक्स्ट जो सिली मिस्टेक होती है वो होती है ऐसी थ्योरीज से जो काफी सिमिलर है। जैसे अगर मैं साइन बी प्लस साइन सी की बात करूं या फिर साइन बी माइनस साइन सी की बात करूं, तो इसके अंदर बहुत बार मैंने देखा है बच्चों को कि वो इसका फॉर्मूला लिखते वक्त साइन की गलती कर देते हैं, कभी साइन की जगह कॉस लिख देते हैं। तो ये जो सिमिलर थ्योरीज होती है इससे रिलेटेड जो सिली मिस्टेक होती है, जिसको बहुत सारे बच्चे कॉन्सेप्चुअल एरर भी कहते हैं, बट मैं ये मानता हूं कि अगर उनको किसी भी एक का फॉर्मूला याद था तो इसका मतलब उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर था, बस ये था कि उन्होंने थोड़ी सी फॉर्मूला समझने में या फॉर्मूला याद करने में गलती कर दी। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये एक सिली मिस्टेक होती है। एक सिली मिस्टेक जो क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड नहीं होती, जो ओएमआर से रिलेटेड होती है, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सेकंड का आंसर थर्ड में भर देते हैं, थर्ड का आंसर फोर्थ में भर देते हैं, क्योंकि हम लोग की क्या प्रोसेस रहती है कि हम एक साथ ओएमआर एंड में भरते हैं, और एंड में मान लीजिए टाइम बहुत कम बचा तो हम बहुत जल्दी जल्दी ओएमआर भरने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉब्लम खासकर उन एग्जामिनेशन में है जो ऑफलाइन होते हैं, जैसे एनटीएससी हो गया, आईजेएसओ हो गया, नीट भी हो गया। तो ये जो एग्जामिनेशन ऑफलाइन होते हैं यहां पर यह प्रॉब्लम बहुत एक्यूट होती है, और इन प्रॉब्लम से बचने के लिए जो सोल्यूशन वो हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो बच्चों से पर्टिकुलर होती हैं। मतलब ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बच्चे टू बच्चे डिपेंड करती हैं। इस प्रॉब्लम को मैंने कस्टमाइज प्रॉब्लम या फिर पर्टिकुलर प्रॉब्लम बोला है, जो हर एक बच्चे से के खुद को समझनी होती है। अब चलिए, हमने प्रॉब्लम समझ ली, अब रेमेडीज की बात करते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर कोई एक बहुत अच्छा बैट्समैन है, मान लीजिए वो बिल्कुल भी नेट प्रैक्टिस नहीं करता है और इंटरनेशनल मैच खेलने चला जाता है, तो उसकी परफॉर्मेंस का क्या होगा? उसकी परफॉर्मेंस का वही होगा जो आप लोगों का डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अब में अपीयर करने से होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर बैट्समैन अच्छे से नेट प्रैक्टिस करके जाए, ऐसी सिचुएशन में नेट प्रैक्टिस करें जो उसके लिए कंफर्टेबल है, तो उसकी परफॉर्मेंस मैच में भी ज्यादा अच्छी होती है। अगर मैं इसको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में से बात करूं, तो सबसे कंफर्टेबल एनवायरमेंट आपके लिए होता है आपका घर। आपके घर में हर चीज अकस्टम्ड होती है आपको, वहां पर आप टेस्ट सिचुएशन सिमुलेट करने की कोशिश करें। जैसे अगर मान लीजिए आप आईजेएसओ का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 2 घंटे टाइम सेट कीजिए, 80 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, और उसके अंदर जैसी स्ट्रेटजी आप एग्जाम में फॉलो करते हैं, जैसे मान लीजिए आप केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करते हैं या फिर बायो पहले अटेम्प्ट करते हैं, जो भी आप स्ट्रेटजी करते हैं वैसी की वैसी स्ट्रेटजी फॉलो करने की कोशिश कीजिए। और फिर 2 घंटे बाद जब आप टाइमर बंद करेंगे, फिर अपने मार्क्स लगाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको ये बता देता हूं, अगर आप घर की सिचुएशन में 80% पे मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो आपके एक्चुअल एग्जाम कंडीशन में 64% मार्क्स आएंगे। कहने का मतलब यह है कि सिली मिस्टेक्स आपकी घर में कम
होंगी, क्योंकि जो अदर फैक्टर्स हैं जैसे पंखा नहीं चल रहा, एसी बहुत तेज चल रहा है, गर्मी लग रही है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको घर पे नहीं रह होती, क्योंकि आप घर का जो एनवायरनमेंट है वो अपने हिसाब से करके रखते हैं। तो घर में आपको अपनी जो परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमाइज करनी है, और यही आपका ट्रू पोटेंशियल है, आपको इवैल्यूएट करना होता है। तो घर में टेस्ट सिचुएशन आप क्रिएट कीजिए। लास्ट में आप ये कोशिश कीजिए कि देखें कि कितने मार्क्स आपके आप आ रहे हैं, और उसमें जो मिस्टेक्स हैं हर एक क्वेश्चन को फिर एनालाइज कीजिए कि क्या आप मिस्टेक्स कर रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम जो मैंने बताया था, रीडिंग मिस रीडिंग दी प्रॉब्लम, मिस रीडिंग दी क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूं आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो फास्ट रीडिंग की आपको हैबिट डालनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम इतना कम होता है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में कि अगर क्वेश्चन बहुत केयरफुली आप रीड करें तो एक्यूरेसी तो ला सकते हैं, मगर आपका बहुत बहुमूल्य टाइम चला जाएगा जिसमें आप कुछ और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। तो आपको फास्टली एंड एक्यूरेटली रीडिंग करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं जो स्पीड रीडिंग कैलकुलेट करते हैं कि आपकी स्पीड कितनी है, उनको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फास्ट रीडिंग की हैबिट होगी। उसके अलावा जहां पे भी आपको कुछ क्रिटिकल पार्ट दिखता है, देखिए अगर जैसे मान लीजिए 5 लाइन का क्वेश्चन है तो उसमें 5 लाइन इंपॉर्टेंट नहीं होती, कुछ इंपॉर्टेंट होती है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट को अंडरलाइन कर लीजिए। जब आप इनकरेक्ट को अंडरलाइन कर लेंगे तो आपके मिस्टेक करने के चांसेस बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट ढूंढने की कोशिश कीजिए, और जब आप क्वेश्चन रीडिंग की प्रैक्टिस घर पे करेंगे तो आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस इंप्रूव होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट जो कैलकुलेशन एरर्स होती है, प्लस का माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई का प्लस हो जाता है, जो भी चीजें होती है, ये कुछ तो पर्टिकुलर होती है और कुछ ऐसी होती है जो जनरली हर बच्चे के साथ हो सकती है। ऐसे केस में देखिए मेरा ये मानना होता है कि बच्चों को बहुत एक्सटेंसिव कैलकुलेशन करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो घर पे कैलकुलेटर्स यूज करते हैं, अननेसेसरीली कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी कैलकुलेशन छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि भाई मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से लगा लिया है, अब ये कैलकुलेशन तो मैं करता रहूंगा, और फाइनल पीछे आंसर देख लेते हैं और सोचते हैं कि उनका सही हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए, फाइनल आंसर निकाल के ही आपको चेक करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम कैलकुलेशन आप करें। बहुत सारी कैलकुलेशन करते वक्त आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सूझती हैं, ऐसा हो सकता है आपके टीचर ने आपको वैदिक मैथ सिखाया हो, आपके टीचर ने आपको बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स सिखाई हो जिससे आप कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सके, मगर जो ट्रिक्स आप खुद सीखेंगे खुद से जब कैलकुलेशन करते हैं उससे बेटर कुछ भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आप सिली मिस्टेक करते हैं उसको अच्छे से गोला बना के लिखिए, ये मैंने मिस्टेक की है, और उसको इग्नोर मत कीजिए। बहुत बार मैंने देखा है कि 3 × 3 = 6 लिख दिया और फिर बच्चे उस इंटू को काट के प्लस कर देते हैं, या फिर उस 6 को काट के 9 कर देते हैं। जब आप हाथों हाथ ये प्रॉब्लम इरेडिकेट कर लेते हैं तो जब आप उस नोट्स को रिवाइज करेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा कि आपने मिस्टेक की है, और वो मिस्टेक इग्नोर हो जाती है। उस मिस्टेक को अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अगर आप अपनी मिस्टेक एक्नॉलेज करना सीख जाते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आप ऐसा मैकेनिज्म ला पाएंगे अपने अंदर जिससे आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत कम होंगी। अब एक प्रॉब्लम मैंने उससे रिलेटेड बताई थी कि जो सिमिलर थ्योरीज होती है वहां पे सिली मिस्टेक होती है, तो उसके अंदर आप ये याद रखिए, मतलब कुछ देखिए बहुत कम ऐसी थ्योरीज होती है जो सिमिलर होती है, तो उन सिमिलर थ्योरीज को बहुत एक्सटेंसिवली अलग से अपने शॉर्ट नोट्स में लिखिए, और ये लिखिए कि मैं इसमें मिस्टेक्स करता हूं, और उन मिस्टेक्स को इरेडिकेट करने की कोशिश कीजिए। मेरे साथ भी ये मिस्टेक्स होती थी, तो मैंने भी हमेशा अपने शॉर्ट नोट्स बनाए जहां पे जो मेरी कॉमन रिकरिंग मिस्टेक्स थी मैं उनको लिखता था, और इवेंचुअली मैंने ये पाया कि वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। फिर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम थी OMR की थी, मेरे हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्स शीट होती है ऑफलाइन एग्जामिनेशन के अंदर, उसमें आपको 5 से 7 क्वेश्चन तकरीबन एक साथ भरने चाहिए। हर एक क्वेश्चन के बाद आपको आंसर नहीं भरना चाहिए, और सारे आंसर आपको लास्ट में भी नहीं भरने चाहिए। मेरे हिसाब से हर 5-7 क्वेश्चन के बाद आपको आंसर भरने चाहिए, उससे आपकी एक्यूरेसी भी रहेगी OMR भरने की, और आपका हर एक क्वेश्चन के बाद अगर आप भरते हैं तो जो कॉन्सेंट्रेशन लूज होता है वो भी लूज नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो पर्टिकुलर मिस्टेक्स होती है, जब आप घर पे आप अपना पेपर सिमुलेट करेंगे तो आप बहुत सारी मिस्टेक्स खुद की समझ सकते हैं, और उन समझ के अगर आपने वो सारी मिस्टेक लिखी है प्रॉपरली तो आप उनको रिड्यूस भी कर पाएंगे। एंड में मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी मिस्टेक सिली नहीं होती, क्योंकि सिली क्या का क्या मतलब होता है, जो बहुत पैटी होता है, जिससे जिसका बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। मगर मैं आपको बता दूं, सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल होती हैं। अभी JEE एडवांस, JEE मेन, नीट सबके रिजल्ट आए हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन दिए, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डिजर्विंग थे बहुत अच्छी रैंक के, मगर अपनी सिली मिस्टेक्स की वजह से कुछ बच्चे तो काउंसलिंग प्रोसीजर से ही बाहर हो गए। तो इन सिली मिस्टेक्स को प्लीज इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि जब आप इतनी मेहनत करके 2-3 साल मेहनत करके कुछ कॉन्सेप्ट्स लर्न करते हैं, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कोई आपका ओरल टेस्ट ले आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मगर जब आप एग्जामिनेशन में परफॉर्म नहीं करते और उसका रीजन केवल कुछ सिली मिस्टेक्स होती हैं जो बहुत इजीली रिड्यूस की जा सकती हैं, तो सबसे ज्यादा दुख आपको ही होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को उन सभी बच्चों के साथ शेयर करें जो इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते हैं। धन्यवाद।